नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उम्मीद सोहेबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान भोले के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्म हुई पूरी। मुन्नी देवी हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पिस्टल के साथ चार गिरफ्तार। प्रशांत किशोर ने विधायकों पर लगाया कमीशन खाने का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लेते हैं 6 से 10%। और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि की रात महानिशा रात्रि कहलाती है और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर रात्रि में सोना नहीं चाहिए बल्कि शिव भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन शिव और पार्वती की विशेष पूजा होती है। इधर भागलपुर में भी महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में उल्लास देखा गया। अहले सुबह से ही मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, भूतनाथ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, गोपेश्वर नाथ मंदिर सहित कई मंदिरों में पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इधर मंदिरों में पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर प्रशासन की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही। भागलपुर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। जिले के सभी शिवालयों को फूल माला से सजाया गया है। वही शिवरात्रि को लेकर भागलपुर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और युवती श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालु सर पर कलश लेकर जल भरने के लिए गंगा घाट पहुंचे। महिला श्रद्धालु भक्ति गानों पर थिरकती नजर आई। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे।
भागलपुर के सुल्तानगंज में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने हत्याकांड एवं लूटकांड का उद्भेदन करते हुए बड़ा खुलासा किया है। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मजदी पंचायत में एक 55 वर्ष महिला मुन्नी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से गोली मारकर भाग रहे व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ा गया। वहीं पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा एवं एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। साथ ही आरोपी गुड्डू मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर एक अलग मामले में डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि 13 फरवरी 2023 को बोलेरो पिकअप चालक लखीसराय निवासी तिलकेश्वर कुमार ने रात्रि गश्ती के पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार को सूचना दिया था कि उसकी गाड़ी को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत तिलकपुर ठाकुरबाड़ी NH-80 के पास 6 अज्ञात बदमाशों द्वारा ओवरटेक कर रोक दिया गया, साथ ही उसके हाथ पैर बांध कर बगीचे में छिपा दिया। वह किसी तरह रस्सी से खुद को छुड़ाकर रोड पर आकर देखा तो उसकी गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उसने पैदल थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दिया। वह डीएसपी के निगरानी में टीम का गठन कर लूटी गई बोलेरो गाड़ी को लोधीपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। साथ ही तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर छापेमारी के द्वारा और प्राथमिकी अभियुक्त पप्पू यादव, रवींद्र यादव एवं रामू महतो को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी की पहचान कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल 6:30 बजे पुलिस को सूचना मिली और SHO सुल्तानगंज को सूचना मिली और वरीय पदाधिकारी को SHO सुल्तानगंज ने इन्फॉर्म किया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर ने कांड की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और 6:30 बजे सूचना मिली और तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही जो टीम थी वो मौके पर दाव पर पहुँची और ग्रामीणों के सहयोग से खदेड़ कर पुलिस ने जो है अभियुक्त को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर सुबह जो है सर्च ऑपरेशन चला आज। और एक तालाब है और वहाँ पे जो घटना में प्रयोग किया गया जो देसी पिस्टल था उसको बरामद किया गया और उसके साथ साथ 2 खोखा और 2 जिंदा गोली जो है उसको भी बरामद किया गया। प्रशांत किशोर ने सिवान में मीडिया संवाद के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं में जमीन पर हो रहे भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना तय है, लेकिन जहां भी वे गए वहां हर एक लाभार्थी का यही कहना है कि अनाज 5 किलो की जगह 4 किलो ही मिल रहा है। इसमें करीब 20% की चोरी बिहार में हो रही है। ये चोरी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रखंड के स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने अनाज आता है और इसमें व्यवस्थित तरीके से औसतन 40 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन लिया जाता है। इसमें अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का भी हिस्सा होता है और ज्यादातर विधायकों का भी 6 से 10 रुपए प्रति क्विंटल का हिस्सा होता है, जिस वजह से लोगों को 5 किलो की जगह 4 किलो ही अनाज मिल पाता है। गरीब कल्याण योजना में जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए, पूरे बिहार में अभी तक जहां मैं गया हूं हर व्यक्ति ये मानता है, स्वीकारता है कि अनाज 5 किलो नहीं 4 किलो ही मिल रहा है। मतलब करीब करीब 20% की उसमें चोरी है और ये चोरी इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जब ये अनाज आता है तो हर प्रखंड में वहां की जनसंख्या के हिसाब से प्रति महीने 15 से 25 हजार क्विंटल तक अनाज आता है और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए औसतन 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से पीसी काटा जाता है और इस पीसी में सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सबका हिस्सा है, विधायक इंक्लूडेड, इसको भी लिख लीजिए। विधायकों को भी बजाता हर महीने, ज्यादातर विधायकों को गरीब कल्याण योजना में जो 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पीसी काटा जा रहा है उसमें विधायकों का भी लोग 6 रुपए से 10 रुपए प्रति क्विंटल हिस्सा बता रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। मुझे अभी तक 5 किलो अनाज पाने वाला कोई लाभार्थी मिला नहीं। अरहम ट्रस्ट की ओर से स्कूली बच्चों के बीच शुक्रवार को सड़क सुरक्षा पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर कबीरपुर स्थित एक निजी स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने की। भाषण प्रतियोगिता में 22 छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
सभी स्टूडेंट ने एक से बढ़कर एक भाषण की प्रस्तुति दी। छात्रा जैनब ने कहा कि खास तौर पर नए आयु वर्ग के लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिक जागरूकता लाने की जरूरत है। वहीं उमर ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार अस्पताल में ज्यादातर भर्ती होने का मामला और मृत्यु की मुख्य वजह सड़क दुर्घटना होती है। छात्रा अनिशा ने बताया कि सड़क सुरक्षा के उपायों का प्रयोग कर सड़क हादसों से हम बचाव कर सकते हैं। जबकि शाहिना ने कहा कि लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और वाहनों की भिड़ंत से हादसों से होने वाले मौतों की संख्या बढ़ रही है। वहीं रिजवान खान ने कहा कि सड़क सुरक्षा भाषण कंपटीशन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अरहम ट्रस्ट की ओर से सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल शहनवाज वारसी, जैनब रोजी, समीरा मंतशा समेत सैकड़ों की संख्या में स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। धीरे गाड़ी चलाएं, अपने परिवार का जीवन बचाएं, वाहन को ज्यादा तेज मत चलाओ, अपना जीवन दौड़ पर मत लगाओ। सड़क सुरक्षा एक आम और बहुत जरूरी विषय है। आम जनता में खास तौर से नए आयु वर्ग के लोगों के अधिक जागरूकता लाने के लिए सामाजिक जागरूकता से जोड़ा गया है, ताकि सड़क दुर्घटना जैसे समस्याओं को कम किया जा सके और सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को भी कम किया जा सके। सड़क सुरक्षा के नियम निम्नलिखित है। हरे सिग्नल होने पर ही सड़क पार करें। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का इस्तेमाल करें। नशे में गाड़ी ना चलाएं। सीट बेल्ट और हेलमेट का हमेशा इस्तेमाल करें। बहुत तेज गाड़ी ना चलाएं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीरपैंती में महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रखंड के जंगली नाथ महादेव मंदिर, रिफातपुर, मनोकामना नाथ, झामर, शंकरगढ़ी, प्यालपुर सहित विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गौरतलब है कि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिव पूजा का महापर्व शिवरात्रि मनाया जाता है। पंडितों ने बताया कि इस बार शिवरात्रि पर दुर्लभ योग बन रहा है। दुर्लभ संयोग होने के कारण इस बार शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर के बबरगंज थाना परिसर में शनिवार को थानाध्यक्ष प्रमोद शाह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थाना क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस दौरान थानाध्यक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से पूजा को संपन्न कराने की बात कही, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वही थानाध्यक्ष ने जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से ले जाने एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की शांति समिति के सदस्यों से अपील की। साथ ही डीजे और आतिशबाजी से परहेज करने की भी बात उन्होंने की। इस मौके पर काली पूजा शांति समिति के अध्यक्ष घनश्याम पाल, संचालक राकेश रंजन केसरी, नागरिक विकास समिति के उपाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, शांति समिति एवं नागरिक समिति के सदस्य मोहम्मद मेहताब आलम, केंद्रीय काली पूजा दक्षिण क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद मंडल के अलावा अमित कुमार, गणेश शाह उपस्थित थे। शिवरात्रि का पर्व और इसमें खास करके जुलूस काफी निकलता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत संभावनाएं रहती है कुछ, और सामाजिक तत्व भी रहते हैं उसमें। वो सबको लेकर के एक करके सब अपना विचार देंगे कि हम लोग को क्या प्रिकॉशन लिया जाए, क्या कैसे किया जाए। कहते बीच में तो अलग कर दिया गया था कि इस क्षेत्र में नहीं घुसिए, लेकिन इस बार जो है ऐसा है कि झांकी बहुत भव्य निकल रहा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसका टाइमिंग तो ऐसे 6 से 7 के बीच दिया गया है, लेकिन फिर भी लेट से बाद होते हुए जो भी हो जाए, ये एक महत्वपूर्ण हम लगते हैं अपने थाना क्षेत्र में जो प्रवेश कर रहे हैं, ये सारी बारात से हमको लगता है वो भव है और अच्छा हो, ठीक बात है।
सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में रविवार को शिवरात्रि को 600 क्षेत्र के विभिन्न गांवों से कुंवारी कन्याओं एवं महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में पहुंचकर जल भरा, जिसके बाद माथे पर कलश लेकर नंगे पांव शाहबाद कटहरा रसीदपुर देवधा करहरिया होते हुए देवधा शिव मंदिर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के साथ कलश की स्थापना की गई। वहीं इस दौरान मुख्य प्रतिनिधि मंटू कुमार ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी मेले का आयोजन किया जा रहा है। रविवार से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। शिव मंदिर के शिवालयों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान भोले के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्म हुई पूरी। मुन्नी देवी हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, पिस्टल के साथ 4 गिरफ्तार। प्रशांत किशोर ने विधायकों पर लगाया कमीशन खाने का आरोप, कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लेते हैं 6-10%। और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।